जाएं। तो कश्मीर के लोग कहते हैं भारत को छोड़ दो, पहले पूजल को मार दो, नहीं कोई नंगा कर देगा, सब कुछ उठवा देगा। गुजरों के बारे में सोच क्या है ये बताना चाहता हूँ। ठीक है देख ले देख ले। मैं मेले का एक कमेटी का टूट गया, एक हमने इनोवा गाड़ी किराए पर ली। मैं अभी कश्मीर पहुंच जाता हूँ और जब भी कश्मीर जाता हूँ वहाँ के मुस्लिम गुंडों में जाकर मुझे बहुत आनंद आता है। पुंछ और राजौरी में संदेह बंदर मिला, मुस्लिम गुंडों की बहुत बड़ी संख्या है। ज्यादातर एमएलए वाले उस क्षेत्र से आते हैं। जब मैं चुनाव में गया डॉक्टर साहब वहां पर 15 दिन रहा मैं पुंछ और राजौरी में, सिक्योरिटी मेरे साथ होती थी तो सिक्योरिटी कहती थी वहाँ रास्ते बहुत टेढ़े मेढ़े हैं, एक एक गांव में जाने में 3-3, 4-4 घंटे लगते हैं। जब प्रिंसिपल ने बोलते सिक्योरिटी कहती थी कृष्ण पाल जी जल्दी चलो कहाँ से बम डल जाएगा पहाड़ियों में, कुछ कह नहीं सकते। तो मैं उस सिक्योरिटी को कहता था मैं कि आपको चिंता नहीं करनी क्योंकि मैं गुंडों के एरिया में आया हूँ, तो मैं रात में भी चलता था, कोई डर नहीं होता था। शोर की डरती थी क्योंकि अपने में अपनों के बीच जाने में कोई डर लगता भी नहीं है। लेकिन मैं वो घटना आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं कमेटी के टूर पे गया और मैं सोनमर्ग में जब पहुंचा तो मैं वो टैक्सी ड्राइवर हमारा कश्मीरी मुसलमान था। मैंने उससे पूछा कि भैया गुंडे कौन होते हैं, तो बोले जो लंबे लंबे छह फुट वाले जो खट्टर लिए खड़े हैं स्वर्ग में, ये गुंडे हैं। कब आपको ज्यादातर गुंडे 6 फुट से कम नहीं मिलेगा। खान पान भी हम देते हैं बगैर छाप के बच्चे के वहां खाने को मिलता नहीं। तो मैंने कहा इनके पास क्या करते हैं, बोले भेड़ बकरी पालते गाय भैंस पालते, बहुत गुर्बत में रहते पहाड़ियों को छोटे छोटे चक्करों में जहन भेड़ गाय बकरी पालते हैं खच्चर लेके लोग भागते हैं। तो मेरे से वो मुस्लिम ड्राइवर बोलता है भाई क्या है दूसरों के बारे में, उसको मालूम नहीं था मैं पूछे हुए। उसका यहाँ के गुंडों के बारे में एक कहावत है, कहावत नहीं सच्चाई है, बोला अगर आप जंगल में जा रहे हैं और भालू और गुंडे दो मिल जाएं तो कश्मीर के लोग कहते हैं भालू को छोड़ दो, पहले गुंडे को मार दो, नहीं कोई नंगा कर देगा, सब कुछ उठवा देगा। मतलब यहाँ वहां भी गुंडों का इतना भय है, वो कहते हैं भालू को छोड़ दो गुंडे को मार दो पहले, नहीं तो एक उनको नंगा कर देगा। तो ऐसी बहादुर कौम में हमें जन्म मिला है। लेकिन अभी हमको बहुत कुछ करना है। सरदार पटेल जी के सपने को साकार करना है और ये बगैर एक हुए नहीं होगा। और अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, हमको सारी चीजें छोड़कर हमारी एक आवाज है, वो आवाज ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी समाज का अग्नि जैसे डॉक्टर यशवीर सिंह, कोई भी एक आवाज समाज की तरफ से आए तो हम सामने उस आवाज के पीछे खड़े हो जाएं। तब किसी को हमारी शक्ति का एहसास। इसलिए मैं अंत में ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं अंत में सरदार पटेल जी के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हुआ, अपने सिर झुकाते हुए उनको श्रद्धांजलि देता हुआ, इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि हम सब मिलकर समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए हम एकजुट होकर संघर्ष करेंगे, ताकत लगाएंगे और इसके लिए पूरी ताकत झोंकेंगे। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आप सबका
हिंदुस्तान के अनेक प्रदेशों से आए हुए सभी भाई बहनों का मैं अपनी तरफ से हृदय की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की।